खुशहाल जंगल था। उस जंगल में बहुत से रंगीन शेर रहा करते थे। वो सभी शेर अद्भुत शक्तियों वाले थे। उनके अंदर अलग अलग शक्तियाँ थीं। किसी में अग्नि की शक्तियाँ तो किसी में जल की शक्तियाँ और किसी में वायु की शक्तियाँ थीं। उन सभी रंगीन शेरों का राजा था एक सफ़ेद शेर। सफ़ेद शेर के अंदर उन सभी रंगीन शेरों की शक्तियाँ थीं। सफ़ेद शेर बहुत ही ताकतवर और निडर था। ताकतवर होने के साथ साथ वह बहुत दयालु और शांत मिजाज का भी था। वह जंगल के सभी जानवरों का बहुत आदर और उनका बड़ा ख्याल रखता था। एक बार उनके जंगल में एक शैतानी बाघ घुस आता है और जंगल के कुछ जानवरों को जान से मार डालता है। कुछ जानवर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। दरअसल वो बाघ यहाँ पर दूसरी दुनिया से आया था। वह सभी रंगीन शेरों को अपने कब्जे में करके यहाँ से ले जाने आया था, लेकिन वो उन्हें तब तक नहीं ले जा सकता था जब तक वो जंगल के एक एक जानवरों को न मार दे। उधर जंगल के कुछ जानवर भागते हुए राजा सफेद शेर के पास जाते हैं। महाराज महाराज, हमारे जंगल में कहीं से एक शैतानी बाघ घुस आया है। वो जंगल के जानवरों को मार रहा है महाराज। यह तुम क्या बोल रही हो गाय? उस बाघ की इतनी मजाल, मैं उसे जान से मार डालूंगा। तब सफेद शेर भागता हुआ उस शैतानी बाघ के पास पहुंचता है और कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें और सभी रंगीन शेरों को यहाँ से ले जाने आया हूँ, लेकिन जब तक मैं सभी जानवरों को ना मार डालूं, तब तक मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरे होते हुए तुम किसी को नहीं ले जा सकते। तब सफेद शेर अपनी सारी शक्तियों से उस पर वार करता है, लेकिन उस शैतानी बाघ के अंदर सफेद शेर से भी ज्यादा शक्तियाँ थी। वह बाघ अपनी शक्तियों से शेर को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। यह सब दूर खड़ा एक भालू देख रहा था। तब वह भागता हुआ सभी जानवरों के पास पहुंचता है। सुनो भाइयों सुनो, उस बाघ ने हमारे महाराज शेर को भी एक पिंजरे में कैद कर लिया है और बोल रहा था कि जब तक मैं सभी जानवरों को ना मार डालूं, तब तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। यह तुम क्या बोल रहे हो? मतलब वो बाघ अब हम सबको मार डालेगा? सुनो भाइयों, अब हमें पंडित जी से मदद मांगनी होगी। आओ चलो मेरे साथ, वहीं चलते हैं। तब वो सभी एक पंडित के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। तब उनकी बात सुनकर पंडित कहता है, सुनो भाइयों, वो पहले तुम्हें मारेगा, उसके बाद ही वो महाराज शेर को ले जा सकता है। लेकिन मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें एक जगह छिपा देता हूँ, जिससे वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन पंडित जी, वो बाकी के जंगल के जानवरों को मार डालेगा। नहीं गोरीला, वो कुछ देर के लिए मर तो जरूर जाएंगे, लेकिन जब वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा और उसके जाते ही सभी जानवर जीवित हो जाएंगे। तब पंडित सभी जानवरों को छिपा देते हैं। उधर वो शैतानी बाघ जंगल के बहुत से जानवरों को मार डालता है, लेकिन फिर भी वो सफेद शेर और रंगीन शेरों को वहां से नहीं ले जा पा रहा था। अरे अभी जंगल में और भी जानवर बाकी है, लेकिन वो मुझे नजर क्यों नहीं आते? बाघ पूरा जंगल छान मारता है, लेकिन उसे वो जानवर कहीं नहीं मिलते। तब वो हार थक कर उस जंगल से जाने का फैसला करता है और उसके चले जाने के बाद सफेद शेर भी आजाद हो जाता है और जंगल के सभी जानवर भी जीवित हो जाते हैं। और उसके बाद से वो फिर से उस बाघ से बचकर खुशी खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इस पर थम का बटन जरूर क्लिक करें। और हाँ, ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक जंगल में एक बाघ रहा करता था। वह अपनी प्रजा का तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था,
लेकिन दूसरे जंगल का जो भी जानवर उसे दिखाई देता तो बाघ उसे अपना शिकार बना लिया करता था और उसे नोच नोच कर खा जाया करता था। एक बार बाघ के जंगल में बाढ़ आने के कारण पूरा जंगल पानी से भर गया। सभी जानवर ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए थे। तब उन्होंने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया और वहां से चल पड़े। जंगल से निकल जाने पर बाघ सभी जानवरों से बोला, सुनो भाइयों, हमें कुछ दिन यहीं रुकना होगा। इतना मैं चलकर कोई और रहने का जंगल ढूंढता हूँ। चलो भालू, तुम मेरे साथ चलो। तब बाघ भालू को लेकर एक जंगल में पहुंचा। उस जंगल में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सिम्भा और छोटे भाई का नाम गब्बर शेर था। वो दोनों जंगल पर राज करते थे। दूर खड़ा बाघ उन्हें देख रहा था। उनको देखकर बाघ बोला, अरे भालू, लगता है ये दोनों शेर ही इस जंगल के राजा हैं। इन दोनों के होते हुए मैं इस जंगल पर राज नहीं कर पाऊंगा और ना ही अपने जंगल के जानवरों को यहाँ ला पाऊंगा। तो बाघ महाराज, फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें इन दोनों को आपस में लड़वा कर मारना होगा। लेकिन महाराज, वो कैसे? हमें पहले इस जंगल में कोई गुफा ढूंढनी होगी और फिर उस गुफा में इस जंगल के सभी जानवरों को बंद करके इनमें से कोई एक शेर के ऊपर उन जानवरों के कैद का इल्जाम लगा देंगे। लेकिन वो हम कैसे करेंगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। बस तुम जानवरों को किसी तरह करके उस गुफा में बंद कर दो। जाओ भालू। तब भालू को जंगल के किनारे एक गुफा मिलती है। उसको देखकर भालू सभी जानवरों के पास जाता है। सुनो सभी भाइयों, सुनो, मैं तुम्हारे राजा शेर का बहुत करीबी दोस्त हूँ। मैं पास के जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, तो मैं शेर को भी आगाह करने आया था कि सभी जानवर को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच पाए। भालू, ये तो सच में डर की बात है, लेकिन हम जाएं तो कहां जाएं? तुम्हारे जंगल के किनारे पर जो पहाड़ी है वहां पर एक गुफा है, वह मुझे सुरक्षित लगती है। तुम सब मेरे साथ वहीं चलो। तब भालू उन्हें पहला फुसला कर उस गुफा पर ले जाता है। जानवरों के अंदर चले जाने पर भालू गुफा के सामने पत्थर लगाकर गुफा का रास्ता बंद कर देता है और भागता हुआ बाघ के पास जाता है। महाराज, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। बहुत खूब भालू, बहुत खूब। अब मैं उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काता हूँ जाकर। तब बाघ छोटे भाई गब्बर शेर के पास जाता है और उससे कहता है, अरे शेर, तुमसे कोई क्यों ना चिढ़े? तुम देखने में हो ही इतने सुंदर। तुम्हारा ही नाम गब्बर है ना? हाँ, मेरा ही नाम गब्बर शेर है। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने अभी तुम्हारे बड़े भाई को बात करते हुए सुना है। वह किसी अजीब से जानवर से बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि मेरा छोटा भाई बहुत सुंदर है, इसीलिए सभी जानवर उसकी ज्यादा इज्जत करते हैं। अब मैं उसे जान से मार डालूंगा और फिर सभी जानवरों को अपना गुलाम बना लूंगा। क्या? वो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं? मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। गब्बर शेर ये बोल ही रहा था कि तभी भालू वहाँ भागता हुआ पहुँचता है। अरे बाघ दोस्त, इस जंगल में तो कोई जानवर भी नहीं रहता। पूरा जंगल सुनसान पड़ा है। यह तुम क्या बोल रहे हो? सभी जानवर तो यहीं पर थे। गब्बर शेर, यह जरूर तुम्हारे भाई का ही काम होगा। उसने उन्हें जरूर कहीं छिपा दिया होगा, क्योंकि अब वह तुम्हें मार डालेगा तो उसकी सच्चाई किसी को ना पता चले, इसीलिए ही उसने यह सब किया होगा। तब गब्बर शेर गुस्से से अपने बड़े भाई को मारने के लिए निकल पड़ता है। उधर बाघ और भालू दोनों बड़े खुश थे। आखिर उनका प्लान जो कामयाब हो रहा था। हमने उन दोनों के बीच आग तो भड़का ही दी है, अब ये दोनों उसमें जलकर मर जाएंगे। कुछ देर बाद गब्बर शेर बाघ के पास जाता है और कहता है, तुमने मुझे सब सच बताया था बाघ, जंगल में कोई जानवर नहीं था और मैंने उस धोखेबाज भाई को भी मार डाला।
तुमने मुझे सच्चाई बताई है। बाघ, तुमसे अच्छा दोस्त और कौन होगा? आज से मेरे भाई की जगह तुम जंगल पर राज करोगे। यह सुनकर बाघ बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन हंसने लगता है। सुनो बाघ, अब हमें उन जानवरों को ढूंढना होगा। आखिर सिम्बा ने उन जानवरों को कहाँ छिपाया होगा? तब बाघ मन ही मन सोचने लगता है, अरे अब मैं इस जंगल का राजा तो बन ही जाऊंगा, तो इसे उन जानवरों के बारे में भी बता देता हूँ। हाँ गब्बर शेर, भालू ने अभी मुझे आकर बताया था कि एक गुफा पर पत्थर लगा हुआ है, शायद वही तुम्हारे भाई ने जानवरों को छिपाया होगा। तो चलो फिर बाघ, वहीं चलते हैं। तब वो दोनों उस गुफा पर पहुंचते हैं। दोस्त, शायद वो इसी गुफा में है, चलो ये पत्थर हटा कर देखते हैं। कोई बात नहीं बाघ, पत्थर तो हम हटा ही लेंगे, पहले तुम मेरे बड़े भाई से तो मिल लो। सिम्बा शेर को आते देख बाघ के पसीने निकल जाते हैं। गब्बर, तुमने बोला था कि मैंने सिम्बा को मार डाला है। उस समय जब तुम मुझे भड़का रहे थे तो सिम्बा भाई तुम्हारी सारी बातें खड़े सुन रहे थे, और जब मैं उन्हें ढूंढने निकला तो उन्होंने मुझसे आकर बोला, सुनो गब्बर भाई, वो बाघ कोई लुटेरा है, वो शायद यहाँ राज करने आया है, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का कर मुझे मरवाना चाहता है। मुझे लगता है बाघ ने ही हमारे जंगल के जानवरों को कहीं छिपाया है, तुम्हें उससे पता करना होगा कि हमारे जंगल के जानवर कहाँ पर है, उसके बाद हम उसे जान से मार डालेंगे। ये सब सुनकर बाघ के तो होश उड़ जाते हैं और फिर वो दोनों भाई उसे जान से मार डालते हैं और उसका वहीं पर अंत कर देते हैं और सभी जानवरों को सच्चाई बता देते हैं। कुछ देर बाद भालू वहां आकर दोनों भाइयों और सभी जानवरों से माफी मांगता है और अपने जंगल के जानवरों के बारे में भी बताता है। तो वो दोनों भाई उन जानवरों को भी अपने जंगल में रहने की इजाजत दे देते हैं और फिर सभी जानवर एक होकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।